अब्बा संसारी भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ है पुलिस खोज रही है। अरे पुलिस ना खोज रही है, जिन ढूंढा तीन पाइया मऊ का जनता ढूंढा तो मिलते ना, पुलिस खोज ना कैली दिया काहे नहीं देहले। अरे पी के झरिया मस्त रहा मर्दे जुटते हैं, पे पे मत चिल्लाओ। ओम प्रकाश जी, जब से वाई प्लस सुरक्षा मिली है योगी आदित्यनाथ के प्रति जुबान नरम हो गई। नहीं महाराज, सुरक्षा बता रहा है। अरे आप बताओ ना सुरक्षा तो आपने देखा कि मऊ में कितनी बड़ी सुरक्षा थी। मऊ के कार्यक्रम जब जब हमने परमिशन लिया लखनऊ से तब तब सुरक्षा, जब से लाल लश्करवा मिला तब से योगी जी के प्रति जुबान नरम हो गई। देखिए मैं बिहार जाता हूँ चूंकि देखिए हम अपने विधायक दल के नेता हैं। एक संविधान में व्यवस्था है कि विधायक दल का नेता अगर प्रोटोकॉल भेजता है तो उसको बॉर्डर टू बॉर्डर सिक्योरिटी और कार्यक्रम स्थल पे वो जहाँ भी रहे उसकी सिक्योरिटी करना सरकार की जिम्मेदारी है, ये संविधान में व्यवस्था है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बी टीम बना करके भाजपा आपको बिहार में भेज रही है नीतीश को जो है निष्का नाबूद करने के लिए? जा रहे हैं बिहार में, हम कम से कम 18 साल से हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा का लड़ते हैं, हम चुनाव लड़ते हैं अभी समय। अब उसको लोग दूसरे न चश्मे से देखें तो हम क्या करें, ललकार वही रहेगी मऊ वाली, एकदम ललकार तो हमारा वही है कि हक हिस्सा अधिकार चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। क्या इस बार पलटू चाचा को कहेंगे वहाँ पे जातिवार जनगणना करा दें? उन्होंने आपके सामने प्रेसवार्ता करके कहा कि मैं जातिवार जनगणना कराऊंगा तो करा दें, अब तो कोई विरोध करने वाला नहीं है, भाजपा विरोध नहीं कर रही है, आपके साथ है नहीं है विरोध करे, आपके पास तो अब आप पावर हो गया, आप कराओ, एक समान शिक्षा लागू करो। और आपके एक विधायक हाई कोर्ट में मुकदमा उनको इकट्ठा करके मायावती जी पहल करें, ये हित नहीं चाहते, ये मायावती जी या अखिलेश जी आपसा में लड़ रहे हैं कि कौने के कौन पटक दे। हाई कोर्ट ने आरक्षण देने वाली जो बिल को रद्द कर दिया, देखिए वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान में व्यवस्था दिया उस व्यवस्था के तहत प्रदेश सरकार प्रस्ताव पास करती है, दोनों सदन से पास होता है, फिर जाता है उच्च सदन लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पास होता है, उसके बाद तब RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उसके पास जाता है, वो पंजीकृत करते हैं, फिर उसके बाद उसी रास्ते राज्यसभा लोकसभा होते हुए फिर विधानसभा वो कानून बन के आता है, तब वो प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश पारित हो जाता है। लेकिन दुख इस बात का है जो हम सावधान यात्रा की बात करें, फिर मैं अपने मुद्दे पर आ रहा हूँ कि सावधान यात्रा इसी नाते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में थी, बसपा की सरकार यूपी में थी, तब इन लोगों ने 17 जातियों के आरक्षण देने के सवाल पे यहाँ से प्रस्ताव दिल्ली से प्रस्ताव पास करा करके क्यों नहीं RGI को भेजा? जब ये सत्ता में रहते हैं तब ये 17 जातियों का मामला हो, चाहे सामाजिक न्याय समिति का मामला हो, चाहे एक समान शिक्षा की बात हो, चाहे गरीबों के इलाज फ्री की बात हो, चाहे घरेलू बिजली के बिल माफी की बात हो, तो फिर ये लोग क्यों नहीं करते? इसी नाते हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को सावधान कर रहे हैं, इन नेताओं से सावधान रहो, ये धोखा देने वाले लोग हैं। आज जो कोर्ट ने खारिज किया है वो समय नहीं आता, अगर RGI ने मुहर लगा दी होती, अगर ये लोग पास करा दिए होते तो आज वहाँ कोर्ट का मुहर लगाने की रिजेक्ट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्या लग रहा है केवल चुनावी नखरेबाजी करते हैं लोग? देखिए नेता, मैं बार बार कहता हूँ नेता 2 महीना सांप होते हैं, अभी आपके सामने ओम प्रकाश राजभर बयान दे रहे हैं ना, थोड़ा सा टेढ़ मेढ़ बोल दिए आपने TV पे चला दिया, फिर ओम प्रकाश राजभर बोलेंगे तो तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है, ये नेता का बयान है। इस नाते नेता सही लड़ाई, 69,000 शिक्षक भर्ती, एक दिन मेरे कार्यालय पर 500 से 600 बच्चे घेर लिए मुझे, मैंने मुख्यमंत्री से बात किया, कोशिश किया बात नहीं हुई, फिर मैंने मैसेज दिया तो शाम को टाइम मिला मैं चला गया। वहाँ जाने पर मुझे लगा कि अगर ये पिछड़ों के हितैषी बसपा और सपा हैं तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का आरक्षण जो अनियमितता हुई है मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार किया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी स्वीकार किया, हाई कोर्ट ने भी स्वीकार किया, 19,000 पद लगभग लूटा गया। क्या अखिलेश यादव जी योगी आदित्यनाथ जी से मिल करके इसका समाधान नहीं करा सकते? मायावती जी उनसे मिलकर समाधान नहीं करा सकती? किस बात की लड़ाई ये लोग लड़ते हैं? मैंने वहाँ इस दिन महसूस किया कि जिस क्षमता हमारी जितनी थी उतना हमने वहाँ बात की, अगर अखिलेश जी जाके कहें कि इसको समाधान किया जाए, ये जितने लोग लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में मुकदमा उनको इकट्ठा करके मायावती जी पहल करें, ये हित नहीं चाहते, ये मायावती जी या अखिलेश जी या पसा में लड़ रहे हैं कि कौने के कौन पटक दे। देखिए इसी बात पे जो हरिनारायण राजभर पूर्व सांसद कहते हैं कि अगर ओम प्रकाश राजभर BJP से करीब रहते तो राजभरों को आरक्षण मिल गया होता, वो क्या करत रहा, मना कैली दिया काहे नहीं देहले,
अरे पी के झरिया मस्त रहा मर्दे झुटते हैं पे पे मत चिल्लाओ। तो जो कोर्ट का जो बयान है उसको अभी तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन सुना है कि कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो ये जिम्मेदारी जो है प्रदेश और देश की सरकार की बनती है कि इन जातियों का प्रस्ताव बना करके प्रदेश सरकार केंद्र को भेजे, केंद्र उसको पास करा करके राज्यसभा में पास करा के आरजीआई को पास भेज दे, तो आरजीआई उसको पंजीकृत करके फिर उसी रास्ते चलाएगा कानून बन करके विधानसभा में थे। तो हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया 15 अक्टूबर 2013 को कि अमीर का बेटा और गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में एक साथ पढ़े, उसका भी पालन नहीं हुआ। 3 अक्टूबर 2013 को हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करके सबको जो संविधान में व्यवस्था है कि समता स्वतंत्रता बंधुत्व तो न्याय पर आधारित संविधान है तो सबको हिस्सा दो, उसको भी नहीं किया गया, चाहे वो सपा की गवर्नमेंट हो, चाहे बसपा गवर्नमेंट हो, चाहे किसी गवर्नमेंट हो। तो जनता को हम जागृत कर रहे हैं कि आप सावधान रहिए, नेता लोग आमे तुमसे पूछो कि जब सत्ता में रहते हो तो एक समान शिक्षा की बात क्यों नहीं करते, आपके पास उस समय पावर रहता है, हम आपको पावर देते हैं, आप इसको क्यों नहीं करते हो। आप बाहर आते हो तो गरीबों का इलाज फ्री करने की बात करते हो, सत्ता में रहते हो तो घरेलू बिजली का बिल माफ करने की बात नहीं करते हो, सत्ता में रहते हो तो पुरानी पेंशन बहाल करने की बात नहीं करते हो, सत्ता में रहते हो तो 17 जातियों के आरक्षण की बात नहीं करते हो। तो फिर जब सत्ता से बाहर आते हो तो हम लोग याद आते हैं, इस नाते हम जनता को जागरूक कर रहे हैं। जो 25 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की, उसमें जो जातियां वंचित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अब नेता से सवाल करने के लिए उनको तैयार कर रहे हैं कि हम तो सदन से लेकर सड़क तक लड़ रहे हैं लेकिन नेता नहीं बोल रहे हैं, ना तो सदन में साथ दे रहे हैं ना सदन से बाहर साथ दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। आपकी यात्रा यूपी से बिहार जा रही है तो क्या माना जाए, चर्चा है कि आप जो है बीजेपी की बीट टीम के रूप में काम कर रहे हैं, ये तो बराबर आरोप लगता है। चुनाव के पहले आप लोग भी दिमाग में था कि राजभर किधर, हम बताते थे लेकिन आप लोग मानते नहीं थे। मैं जिसके साथ रहता हूँ ईमानदारी से रहता हूँ। अगली बार स्थापना दिवस में आपने अखिलेश के साथ था, इस बार बिहार में जा रहे हैं तो आपका अगला साथी कौन होगा? प्रेमचंद प्रजापति, जगन्नाथ कुशवाहा, ये दो लोगों को हमने आमंत्रित अभी तक किया है। बिहार में और टीम रन कर रही है, अब जाएंगे इसी 4 तारीख को मधेपुरा जा रहे हैं, 1 तारीख को हम पटना रुकेंगे तो कुछ नेताओं से मिलेंगे वहाँ। ललका सड़वा से जनता अब वो परेशान बा, लेकिन योगी जी सवाल ना पूछा था, अब मैंने पूछा था, कहाँ पूछा था, बिल्कुल पूछा था। अब देखिए किसी चीज़ का कोई टाइम होता है, अब ये समय जरूरत भी हमें सावधान यात्रा निकालने का है। इस समय योगी की आप बड़ाई कर रहे हैं और वहीं अधिकारियों की लकार लगा रहे हैं। बड़ाई मैं नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ। अगर आप लखनऊ में खड़ा हो जाइए तो मायावती जी का काम दिखेगा, आप लखनऊ से नीचे उतरिए गोमती, अखिलेश जी का काम दिखेगा, चारबाग खड़े होइए कांग्रेस का काम दिखेगा। आज की अगर बात करें, आप चले जाइए आज के तारीख में, तो जो गुंडागर्दी थी, रंगदारी टैक्स वसूले जाते थे, आज उस पे अंकुश लगा है, इसको कोई नकार नहीं सकता। कुछ अधिकारी ऐसे हैं, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो काम धरातल पे होना चाहिए। शासन से निर्देश है कि आप जो भूमाफिया हैं, अपराधी हैं, उनकी जमीन एक्वायर करो, लेकिन गांव में दुश्मनी बस कुछ अधिकारी जो बेचारे 50 साल से गरीब कमजोर बसे हैं उनको उजाड़ा जा रहा है, जबकि ऐसा ऊपर से निर्देश नहीं है, तो ये अधिकारी क्यों मनमानी कर रहे हैं, क्यों गरीब को उजाड़ रहे हैं? और ऊपर से निर्देश है, शासन से निर्देश है कि अगर जिसके पास जमीन नहीं है उसको तब तक मत उजाड़ो जब तक कि उसको पट्टा दे करके व्यवस्था न बना दो, लेकिन अधिकारी बेलगाम जा रहे हैं तो पता लगा झटक दे रहे हैं बना बनाया मकान। तो ये कौन सी बात मैं गलत कह रहा हूँ, ये तो धरातल पर आप भी देख रहे हैं, आप भी जाके देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो भूमाफियाओं के चक्कर में कुछ अधिकारी अपने चक्कर में और गांव की जो गोलबंदी के चक्कर में गरीब पिस रहा है। तो अखिलेश यादव जी के साथ अभी आप हैं? नहीं भैया, तो होगा तलाक हो गया। अब क्या अगला है आपका लक्ष्य, किसके साथ गठबंधन? 25 करोड़ आबादी में जो जातियां हैं अब उन्हीं जातियों से गठबंधन में लगे हैं कि जब यही सरकार बनाते हैं तो नेता लोग तो धोखा दे रहे हैं, तो चलो नेता के जो छोड़ के पहले इधर चला जाए, इनको ठीक किया जाए, फिर आगे टाइम आएगा तो देखा जाए। माना जाए कि योगी जी सरकार
बनाए हुए हैं उनकी बढ़ाई भी कर रहे हैं, तो क्या अब अच्छे लगने लगे हैं क्या? हमको तो अखिलेश भी अच्छे लगते हैं। लगते थे, नहीं है, क्या है सर? नहीं, काम तो लगते हैं अच्छे जी। मैं काम मायावती का काम भी अच्छा। 24 में अगला लक्ष्य क्या रहेगा आपका? देखिए, हमारा हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि महाराजा सुहेल देव जी, छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला दिल्ली की पंचायत में हमारा नेता जाना चाहिए। किसके साथ गठबंधन करके इस बार चुनाव लड़ेंगे? अगली बार बताया जाएगा जब टाइम आएगा तब। ओम प्रकाश जी, जब से वाई प्लस सुरक्षा मिली है, योगी आदित्यनाथ के प्रति जुबान नरम हो गई। नहीं महाराज, सुरक्षा बता रहा है। अरे आप बताओ ना, सुरक्षा तो आपने देखा कि मऊ में कितनी बड़ी सुरक्षा थी। मऊ के कार्यक्रम जब जब हमने परमिशन लिया लखनऊ से, तब तक सुरक्षा नहीं, जब से लाल लश्करवा में चला तब से योगी जी के प्रति जुबान नरम हो गई। देखिए, मैं बिहार जाता हूँ चूंकि देखिए हम अपने विधायक दल के नेता हैं। एक संविधान में व्यवस्था है कि विधायक दल का नेता अगर प्रोटोकॉल भेजता है तो उसको बॉर्डर टू बॉर्डर सिक्योरिटी और कार्यक्रम स्थल पे वो जहाँ भी रहे उसकी सिक्योरिटी करना सरकार की जिम्मेदारी है, ये संविधान में व्यवस्था है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बी टीम बना करके भाजपा आपको बिहार में भेज रही है नीतीश को जो है निष्का नाबूद करने नया जा रहे हैं? बिहार में हम कम से कम 18 साल से हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा का लड़ते हैं, हम चुनाव लड़ते हैं अब इस समय। अब उसको लोग दूसरे न चश्मे से देखें तो हम क्या करें? ललकार वही रहेगी मऊ वाली, एकदम ललकार तो हमारा वही है कि हक हिस्सा अधिकार चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। क्या इस बार पलटू चाचा को कहेंगे वहाँ पे जातिवार जनगणना करा दें? उन्होंने आपके सामने प्रेसवार्ता करके कहा कि मैं जातिवार जनगणना कराऊंगा, तो करा दें। अब तो कोई विरोध करने वाला नहीं है, भाजपा विरोध नहीं कर रही है, आपके साथ नहीं है विरोध करे, आपके पास तो अब आप पावर हो गया, आप कराओ, एक समान शिक्षा लागू करो। और आपके एक विधायक हैं अब्बास अंसारी, भाग रहे हैं कहाँ? भाग रहे हैं कहाँ है, पुलिस खोज रही है। अरे पुलिस ना खोज रही है, जिन ढूंढा तीन पाइया, मऊ का जनता ढूंढा मिलते ना, पुलिस खोज के। नहीं नहीं, देखिए पता चला कि आप अपने पास उनको छिपा के रखे हैं। बस हमारे संगमा गड़िया में देख लीजिए भाई, वो दगे हुए कारतूस की क्या बात कर रहे हैं।